गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और अब हमारा चैनल बहुत ही अच्छे से ग्रो करने लगा है क्योंकि आप सबको मेरा पढ़ाना पसंद आने लगा है। तो अब हम जो आज टॉपिक करने वाले हैं ना, वो बहुत ही लोग इस टॉपिक को लेकर बहुत ही कंफ्यूज्ड होते हैं और इन लोगों को ये टॉपिक एक्सप्लेनेशन प्रॉपर आज तक के मिला नहीं है। तो मैं फुल अपना ट्राई करूंगा, अपना 100% देने की कोशिश करूंगा कि हम ये टॉपिक को अपना 100% दे पाए और अच्छे से ये बोर्ड के लिए हम लोग प्रिपेयर कर लें। तो ये जो टॉपिक है ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, के कैसे जमीन से मिले गए मिनरल्स में से हम कैसे प्रॉपर मेटल्स को उसमें से बाहर निकालते हैं और कौन से प्रोसेस से करते हैं ये पूरा काम। तो लेट्स सी नाउ। तो वो जो ओर्स होते हैं जो हमें जमीन से मिलते हैं, वो ओर ना तीन टाइप से हो सकते हैं। और जानने के लिए मुझे लगता है कि पहले यहाँ पे आना चाहिए, बट पहले हम ना ये चार्ट समझ लेते हैं तो थोड़ा ईजी होगा आप लोगों को डेफिनेशन समझना। जो जमीन से ओर मिलता है ना, वो तीन टाइप के हो सकते हैं। That is, वो reactive, highly reactive metal का ore हो सकता है, moderately reactive metals का ore हो सकता है, या less reactive metal का ore हो सकता है। तो अब ये तीनों के प्रोसेस अलग होंगे क्योंकि highly reactive अलग react करेंगे, moderately अलग, और less reactive तो कम ही react करने वाले, तो इनका भी प्रोसेस अलग अलग होगा इनको impure से प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस पर हम फिर से आएंगे। Let's see, सबसे पहले extraction of metals के लिए होता क्या है। तो ना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स अगर हमें देखना है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मिनरल्स और ये ना थोड़ी टर्मिनोलॉजी हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको आगे का कुछ नहीं समझेगा। तो थोड़ा ये थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए आगे के प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। तो लेट्स सी मिनरल्स क्या होते हैं। द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। जो जमीन से हमें बोल सकते हैं, जमीन से फॉर एग्जाम्पल हमें एक्स वाई जेड मटेरियल जो मिलता है और हमें लगता है कि इसके अंदर मेटल छुपा हुआ है, अगर उसमें मेटल है तो हम इसको मिनरल बोल सकते हैं। और इस मिनरल से हम लोग अगर प्योर फॉर्म में किसी चीज को कन्वर्ट करना चाहते हैं, मेटल को निकालना चाहते हैं, और अगर इसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ मेटल प्रेजेंट है और इम्प्योरिटीज कम प्रेजेंट है, तो उसे हम ओर बोलते हैं। यानी मिनरल, सारे मिनरल ओर होते हैं, बट सारे ओर मिनरल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो मिनरल है वो दो टाइप के हो सकते हैं। मिनरल जो है वो एक सिर्फ इम्प्योरिटीज और मेटल कम, और दूसरा ज्यादा मेटल और इम्प्योरिटीज कम। तो अगर मेटल ज्यादा है और इम्प्योरिटीज कम है तो वो ओर कहलाते हैं। और जो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेटल जो है वो सारे ओर होता है, बट सारे ओर मेटल नहीं हो सकते। तो लेट्स सी ओर क्या होता है। द मिनरल्स फ्रॉम विच, कंफ्यूजिंग हो गया क्या आप लोगों को? नहीं हुआ ना। ओके, द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। तो जो मिनरल्स हमने निकाला था और हमें लगा कि इसमें इंप्योरिटीज कम है और मेटल ज्यादा, तो उस मिनरल का नया नाम हमने ले लिया ओर। अब क्लियर? अब उस ओर में से अगर मैं मेटल निकालूं और वो मेटल निकालने के बाद मुझे प्रॉफिट हो रहा है और वो कन्वीनियंट प्रोसेस है उस मेटल को निकालने की, तो वो ओर है। तो ओर क्या है? मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। अब मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी इज द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स from their ores and refining called metallurgy। तो metallurgy process है कि ores में से metal को जो हम निकालेंगे, अब ores जो होंगे सीधा सीधा तो metal निकल नहीं जाएगा। अब वो metal भी हमारे तीन type के होते हैं भाई, highly reactive, moderately reactive और less reactive। तो अब तीनों को हमें अलग अलग process से metal में convert करना है, क्योंकि ore ना impure चीज है। अब impure चीज से pure में convert करने के लिए हमें जो process use करेंगे, तो ये जो प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी इम्प्योर से प्योर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे मेटलर्जी। क्यों? तो मेटलर्जी इज द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन यानी उसमें से एक्सट्रैक्ट करना, काम की चीजें एक्सट्रैक्ट करना। काम की चीजें यहाँ पे हमारे मेटल्स है, मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग, उन्हें रिफाइन करना यानी अगेन प्योरेस्ट फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना। तो आपको तीनों चीजें समझ में आ गई। मिनरल्स होते हैं जो जमीन से निकलते हैं, जमीन में से अगर वो निकल रहे और उसमें मेटल प्रेजेंट है तो वो मिनरल, अगर उसमें इंप्योरिटीज कम मेटल ज्यादा तो ओर, और मेटलर्जी जो प्रोसेस जिससे हम इस इंप्योर फॉर्म इंप्योर ओर को कन्वर्ट करेंगे मेटल्स में। अब देखते हैं कि तीन मेजर स्टेप जो इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है। तो तीन मेजर स्टेप जो मैं बोलता हूँ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में इन्वॉल्व होती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ओर में से। तो तीन प्रोसेस होती है, पहली कॉन्सेंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ये क्या होता है? तो ये होता है रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज। ये वाली जो स्टेप्स है यहीं पे खत्म हो जाएगी चैप्टर में, हम इसे और इसे आगे पढ़ाने वाले हैं। तो ये बहुत ही ऐसे चिंदी चीज है, मैं बोल सकता हूँ कि रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉक्स, लाइमस्टोन एक्सेट्रा फ्रॉम इम्प्योर कंपाउंड, इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन ओर्स आर कॉल्ड गैंग्रीन। अब अगर जमीन से जो निकल रहा है उसमें जितनी भी छोटी मोटी चीजें हैं, कंकड़, मिट्टी, हमका डमका जो भी है उसके अंदर, वो सारी चीजों को निकालना एनरिचमेंट ऑफ ओर करना।
अगर वो सारी इम्प्योरिटीज जो आलतू फालतू इम्प्योरिटीज है वो सारी चीजों को निकालना इज कॉल्ड एनरिचमेंट ऑफ ओर. और एनरिचमेंट ऑफ ओर के अंदर जो इम्प्योरिटीज है ना उन इम्प्योरिटीज को गैंग्यू बोला जाता है. गैंग्यू क्या है? तो हमारे रॉकी पार्टिकल्स है, हमारे रॉकी स्टोन्स है, लाइम स्टोन्स है, मीका है, हम बोल सकते हैं कि सैंड है, ये सारी चीजों को गैंग्यू बोला जाता है. और इन्हें निकालना फिजिकल प्रोसेस से हो सकता है. अब सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ ओर इंटू मेटल्स. अब हम ओर जो मिली है वो मेटल नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें दूसरी भी है. वो ऑक्साइड ओर भी हो सकता है, सल्फाइड ओर भी हो सकता है, कार्बोनेट ओर भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि एक मेटल जो है वो ऑक्साइड को अट्रैक्ट करेगा, कार्बोनेट को अट्रैक्ट करेगा, सल्फाइड को अट्रैक्ट करेगा, तो वो इन सब के साथ हमें जमीन से मिलने वाला है. तो क्योंकि इन सब के साथ जमीन से मिल रहा है ना, तो इसको मेटल को बाहर खींचने के लिए इन सबको हमें दूर करना है इससे. तो इस चीज को जब हम दूर करते हैं ना, वो प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल में आती है. और ये प्रोसेस डिफिकल्ट है. ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हम आगे डिटेल में करने वाले हैं. और ये वाली चीज जो है, ये यही चीज है जिसपे क्वेश्चन बेस्ड आएंगे आपको बोर्ड्स में. तो ये क्या बोल सकते हैं हम, डिफरेंट मेथड आर यूज्ड बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी, कि वो कितने रिएक्टिव है. आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा. अगर ये एक मेटल है और यहाँ पे एक मेटल सॉल्ट है, तो हम ये चीज को ना यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं अगर ये कम रिएक्टिव है. बल्कि यही, अगर कम रिएक्टिव है इससे, तो ये इसे नहीं देगा. रीजन इज, आपको कुछ नहीं समझाना, रुको. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताता हूँ मैं, जैसे ये ए प्लस बी सी गिव्स. अब मुझे बताओ, अगर ए हाईली रिएक्टिव है तो वो बी, ये सी को अपने पास छीन लेता है और बी ऐसे ही अकेला रह जाता है, यानी ए सी प्लस बी बन जाएगा. ये रीजन क्या था? क्योंकि ए वॉज मोर रिएक्टिव देन बी. बट वहीं अगर ए लेस रिएक्टिव होता बी से, तो बी सी को नहीं छोड़ता और ए वहीं पे रह जाता, और हम बोलते हैं नो रिएक्शन. मतलब अगर हाईली रिएक्टिव चीजों के साथ अगर मैं उस ओर को रिएक्ट कर रहा हूँ, तो शायद उस ओर में से मैं चीजें छीन सकता हूँ. तो वही चीजें हम लोग थोड़े ज्यादा डिटेल में जाएंगे. ये तो मैंने एकदम चिंदी एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है. नाउ नेक्स्ट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. नाउ द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग इम्प्योर मेटल्स इनटू प्योर मेटल वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. तो ये जो ये ना एक प्रोसेस है कि ये सब तो आपने कर लिया, उससे भी अगर प्योर मेटल आपको नहीं मिलने वाले, इतने प्योर नहीं मिलेंगे जितने आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करने के बाद मिलेंगे. तो तीन प्रोसेस हमें करनी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल्स, और फिर वो मेटल का प्योरेस्ट फॉर्म निकालने के लिए उसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. और कई बार मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं कि बोर्ड के लिए सबको डर लग रहा है, तो आप डरिए मत, बी हैप्पी. आप लोग बहुत अच्छा कर लोगे बोर्ड में, क्योंकि लाइफ में हमें कभी ना कभी तो बोर्ड देने ही है ना यार. तो इतना टेंशन मत लो, हम बहुत अच्छा करने वाले हैं बोर्ड्स में. बस ब्लेसिंग्स अपने साथ रखो. ओके, तो अब हम सबसे पहले करेंगे वो टॉपिक जो सबसे पहला है, दैट इज ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल. यानी हाईली रिएक्टिव मेटल को हम कैसे रिफाइन करते हैं, कैसे प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं, वो हम देखने वाले हैं. तो सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, और बेल आइकॉन तो पक्के से दबाइए, क्योंकि अगर बेल आइकॉन दबाओगे तो भी पता चलेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन. तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स. अब ये ना ये वाला पार्ट है, मतलब ये जैसे ही करेंगे ना, हमारा ये वाला जितना भी पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा. यानी वो कंप्लीट होने के बाद हमारा 33% काम खत्म. तो देखते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल कैसे होता है. तो हाईली रिएक्टिव मेटल यानी कि वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होंगे, उनको प्योर फॉर्म में लाना इज वेरी डिफिकल्ट. इसलिए हम यूज करेंगे प्रोसेस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. तो सबसे पहले देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल कौन से होता है. तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स. तो मोल्टन क्लोराइड और ऑक्साइड्स के फॉर्म में उनको कन्वर्ट करेंगे पहले, और फिर हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे हमारे प्योर मेटल को. तो वो कौन से मेटल्स हो सकते हैं जिसमें से हमें एक्सट्रैक्ट करना है. वो मेटल्स हो सकते हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम. जिस अभी हम लोग एग्जांपल सोडियम का लेने वाले, तो ये वो मेटल हो सकते हैं, और प्रोसेस यूज करेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. फिर बोल रहे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस मेटल्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन. क्योंकि जो मेटल्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है. इलेक्ट्रो पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है. इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना यानी खुद का पॉजिटिव पॉजिटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव क्या बढ़ सकता है, उनका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है. सॉरी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाता है. उसका एग्जाम्पल अगर लेना है तो ये तरीका आपको समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं बताऊं हम सोडियम लेते हैं, ये देखो अगर हम लेते हैं Na जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, हेली. आपको आता है ये हेली बेबर का ना ओ फ ने ना ना, यानी कि 11 नंबर पे.
अब ये 11 नंबर पे है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सेकंड शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 7-8 और आखिरी में इसके 1 आ जाएंगे। अब इसको अगर स्टेबल होना है तो इसका ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि ये अभी है 281। अब इससे अगर ऑक्टेट स्टेट करना है तो इसको ये इलेक्ट्रॉन ना दे देना पड़ेगा, लूज कर देना पड़ेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता तो ये कैसा बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा फिर फर्स्ट शेल में इसके 2 बच जाएंगे, सेकंड शेल में इसके 8 बच जाएंगे। अब क्योंकि अब इसमें आपको भी पता है इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो जो 11 थे, 11 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, और क्योंकि प्रोटॉन शेयर नहीं हो सकता तो उसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स है बराबर। तो क्योंकि अब इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ चुका है निगेटिव चार्ज को डोनेट करने की वजह से, इसलिए जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव आपको समझ में आया हम किसे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं ना, क्योंकि उनका चार्ज कम हो जाता है इसलिए वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाते हैं। सिमिलरली नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना निगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करना होता है, और निगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करने की वजह से वो इलेक्ट्रो निगेटिव हो जाते हैं ना। तो अब देखते हैं प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रो, फिर से पढ़ रहा हूं मैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस मेटल्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एन निगेटिव इलेक्ट्रोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड पे, क्यों निगेटिव पे अट्रैक्ट इसलिए हुए क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, वहीं मेटल्स आर इलेक्ट्रो बिकॉज मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो वो आपको कैथोड पे मिलेंगे। तो कैसे मिलने वाले, लेट्स सी, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल की पूरी प्रोसेस करने वाले हैं हम लोग। तो सोडियम मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बाय मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl लेना जरूरी है यहां पे। When electric current pass through molten NaCl, it decomposes to form sodium metal and chlorine gas. 2 NaCl है, liquid form में है क्योंकि molten state है, उसमें से electricity pass की, तो उसने electricity pass करने के बाद इसे break कर दिया है 2Na और Cl2 में, 2Na हमारा sodium metal में मिल गया और ये chlorine gas release होगी। तो हमें ये पता चल गया कि हमें sodium मिल गया अगर हम molten NaCl ले रहे हैं, तो अब वो कैसे मिल रहा था। तो सबसे पहले प्रोसेस देखते हैं, तो प्रोसेस में बोल रहे हैं कि molten NaCl contains free sodium ions Na+, क्योंकि चीज जब molten होती है तो उसमें free ions present होते हैं। हाँ, one more thing, ions कब बोलते हैं, जैसे ये Na था, जब उसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन थे तब वो सोडियम एटम बोल सकते थे, अब क्योंकि अब उसमें 11 नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन 10 है, तो वो उसने क्या कर दिया, एक अपना इलेक्ट्रॉन भेज के खुद क्या बन गया, Na+, क्योंकि पॉजिटिव उसका चार्ज बढ़ चुका है। तो अब ये ना सोडियम एटम नहीं, सोडियम आयन कहलाएगा, ये हो जाएगा सोडियम आयन। आयन हम तब कहते हैं जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट कर लो, अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हो तो आप उसी मेटल के आयन, मेटल एटम से मेटल आयन बन जाते हो, और वहीं जब आप नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, वो गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से वो नॉन मेटल एटम से नॉन मेटल आयन बन जाता है। ओके, तो आपको आयन क्लियर हो गया, क्योंकि अब मॉल्टन स्टेट में वो सोडियम के आयन प्रेजेंट होंगे, यानी कि Na+ प्रेजेंट होगा और क्लोराइड आयन Cl- प्रेजेंट होगा, तो जैसे ही हम करंट पास करेंगे Na+ है वो, क्योंकि तो वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स कैथोड, तो Na+ आयन्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड जो कि निगेटिव होती है कैथोड, एंड टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड एंड बिकम सोडियम मेटल। अब क्या होगा, कैथोड में जो निगेटिव चार्ज था उसमें से उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, Na+ है क्योंकि प्लस है एक बार और सामने हमने लगाया है 2, तो अब इलेक्ट्रॉन भी 2 लगेंगे हमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए और वो 2Na यानी सोडियम एटम बन गया। अब ये सोडियम एटम ऐसे बहुत सारे बनेंगे जिससे हम सोडियम मेटल को ले पाएंगे। तो अब वो बोल रहे हैं कि क्लोरीन के साथ क्या हुआ है, सेम में क्लोरीन के साथ हुआ है कि क्लोरीन क्योंकि निगेटिव आयन था तो वो अट्रैक्ट हुआ टुवर्ड्स एनोड जो कि पॉजिटिव होता है, एंड गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू एनोड एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म क्लोरीन गैस, और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो नाउ Cl- जो है वो Cl2+2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हमें Cl2 क्लोरीन गैस मिल गई। सो बाय दिस प्रोसेस वी गेट सोडियम मेटल फ्रॉम मोल्टन सोडियम क्लोराइड थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो इस तरीके से हमें सोडियम मेटल मिल जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से, इलेक्ट्रिसिटी पास करो Na+ कैथोड पे चला जाएगा, Cl- एनोड पे चला जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और लूज कर देंगे, और जिसके वजह से हमें सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस सेपरेट कर लेंगे और सोडियम मेटल हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। ना तो अब जो हम करने वाले हैं वो है ओर ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल को कैसे हम मेटल में कन्वर्ट करते हैं। तो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो दुनिया में पाए जाते हैं
तीन प्रकार से, वो मेटल ऑक्साइड मेटल के मतलब ऑक्साइड ओर में हो सकता है, सल्फाइड ओर में हो सकता है, या कार्बोनेट ओर में हो सकता है। अगर ऑक्साइड ओर में है तो हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन और एनीथिंग। बट अगर वो सल्फाइड ओर या कार्बोनेट ओर में आता है तो पहले कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर को हमें ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना पड़ता है, और आगे की प्रोसेस सेम होती है जो हमने ऑक्साइड ओर के साथ किया। तो लेट्स सी क्या होता है। तो जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स को, तो उसमें मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स अकर इन नेचर एज ऑक्साइड बट अदर अकर एज कार्बोनेट एंड सल्फाइड। हमारे मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है वो दुनिया में हमें मिलते हैं ओर में, तो वो तीन टाइप्स है, वो या तो ऑक्साइड ओर हो सकते हैं, वो सल्फाइड ओर हो सकते हैं, या फिर वो कार्बोनेट ओर हो सकते हैं। तो लेट्स सी आगे क्या करना है हमें फिर। तो अगर वो सल्फाइड ओर होते हैं तो वो सल्फाइड ओर को हम रोस्टिंग करेंगे और ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे। सेम वे कार्बोनेट ओर है तो उसे कैल्सिनेशन के थ्रू ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे, और ऑक्साइड ओर तो रिडक्शन से मेटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये देखो एक दो और ये तीन, इन तीन टाइप के ओर का पूरा प्रोसेस ये है। सल्फाइड ओर रोस्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, कार्बोनेट ओर कैल्सिनेशन करके ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करो, फिर रिडक्शन करके मेटल पालो नाउ, यानी मिल जाएगा। कैल्सिनेशन कैसे होता है? अब कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज कन्वर्टेड। अब कैल्सिनेशन याद कैसे करना, तो सी और सी कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन, तो बचा सल्फाइड ओर का रोस्टिंग, है ना। तो और आर एस टी यू वी एबीसीडी में आर और एस आसपास आते हैं, तो रोस्टिंग किसके साथ, सल्फाइड ओर के साथ करनी पड़ती है, और कैल्सिनेशन किसके साथ, कार्बोनेट ओर के साथ करना पड़ता है। तो कैल्सिनेशन क्या होता है, तो कैल्सिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें कार्बोनेट ओर, नाउ आई एम कंफर्टेबल, नाउ द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन एब्सेंस ऑफ एयर। इन एब्सेंस ऑफ एयर इंपॉर्टेंट लाइन है, कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ एयर, याद रखना कि कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ एयर से होता है। क्यों? क्योंकि सी के पास ज्यादा है, एबीसीडी में सी के पास होता है ना ए, तो एब्सेंस ऑफ एयर याद रखो, और रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ एयर याद रखना, ठीक है। तो आपको याद रह गया ये लॉजिक क्या बताया मैंने, कि कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर के साथ होता है और कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ एयर में होता है। यानी कि अगर आप उसको स्ट्रॉन्गली, कैल्सिनेशन में क्या होता है कि आप अगर कार्बोनेट ओर को स्ट्रॉन्गली हीट करते हो इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो चीज कन्वर्ट हो जाती है ऑक्साइड ओर में, और ऑक्साइड ओर हम आगे देखेंगे कि कैसे हम मेटल में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कैल्सिनेशन क्या है। तो कैल्सिनेशन है कि जिंक कार्बोनेट लो, स्ट्रॉन्गली हीट करो इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो आपको जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी वो रिलीज हो जाएगी। आप देख सकते हो ZnCO में से CO2 निकाल दो तो O बच जाएगा, और CO2 जो है वो CO3 में, CO3 का O यहाँ पे है, CO2 का ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। तो हमें मिल गया जिंक ऑक्साइड, दैट इज हमने कन्वर्ट कर लिया है कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में। नाउ अब रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में सेम चीज कि रोस्टिंग में भी स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे किसको, सल्फाइड ओर को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्साइड ओर में, बट इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो प्रेजेंस ऑफ एयर याद रखना है आपको कि प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड टू ऑक्साइड ओर बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन प्रेजेंस ऑफ एयर। आप देख सकते हो कि इन दोनों ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि ऑक्साइड ओर का रिडक्शन इजी है। तो आपको टू स्टेप काम करना है, जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट सीधे मेटल में कन्वर्ट नहीं होते, वो कन्वर्ट होते हैं कार्बोनेट ओर सल्फाइड ओर के बाद मेटल ऑक्साइड ओर में, फिर मेटल ऑक्साइड से इम्प्योर मेटल मिलता है, फिर रिफाइनिंग से मेटल मिलता है। रिफाइनिंग वाला स्टेप हम आगे करने वाले हैं, अभी इस पे ध्यान दो कि रोस्टिंग आपको समझ में आया। ये देखो जिंक सल्फाइड था, जिंक सल्फाइड को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपने रोस्ट किया है, क्यों, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ एयर बोला है तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर 2ZnO प्लस 2SO2, यहाँ पे हमको आपको सल्फर डाइऑक्साइड भी मिल चुका है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, यानी कि हमें जिंक ऑक्साइड जो चाहिए था, ऑक्साइड और चाहिए थी, वो मिल चुकी है ना। अब मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन बाय अबव प्रोसेस, इन दोनों प्रोसेस में ये जो आपको मेटल ऑक्साइड मिला है कन्वर्टेड इनटू फ्री मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। इनमें से कौन सिलेक्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा मेटल लिया है। जैसे हमने यहाँ पे मेटल लिया है जिंक, तो उसके लिए हम जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं वो कार्बन, क्योंकि कार्बन की अफिनिटी ऑक्सीजन को छीनने की जिंक से ज्यादा है। Now, तो based on chemical reactivity, bracket लगाना क्यों भूल गया मैं? Now, तो reduction using carbon as a reducing agent, अब इन दोनों के पास बात का process कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, हमने roasting पढ़ लिया, हमने calcination पढ़ लिया, oxide ore मिल गया है हमें, अब oxide ore को reduction करना है तो metal मिलेगा, कैसे? तो ये देखो, using reduction पढ़ रहे हैं हम लोग, कि using carbon as reducing agent for comparatively less reactive metal like zinc,
आयरन, निकल, टीन, एक्सेट्रा, इन सबके लिए आप कार्बन को यूज कर सकते हो। कार्बन यहाँ पे जो सॉलिड होगा, कोक बोल सकते हैं हम लोग कि नाम ZnO है, और साथ में कार्बन हम ऐड कर रहे हैं। कार्बन की अफिनिटी ऑक्सीजन को छीनने की ज्यादा है, तो ये कार्बन जो है ये इस ऑक्सीजन को छीन लेगा, तो ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक हमें सिंपली मिल जाएगा, ये हमारा जिंक मेटल होगा, और ये मिल गया हमें CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन इज चीप रिड्यूसिंग एजेंट बट इट कंटामिनेट्स मेटल। जो भी कंटामिनेशन समझते हो ना, गंदा कर देना, रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन अच्छा है बट वो कंटामिनेट कर देता है मेटल को। तो हमने देखा ये प्रोसेस बहुत इजी था, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आपका बहुत क्लियर हो गया अच्छे से। थैंक यू।